हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज देखते हैं हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, देखिए हमने पिछली क्लास में देखा था रियल नंबर के बारे में, है ना। क्या देखा था? रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या थी? वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या है। ठीक है बच्चों, तो देखो रियल नंबर में हमने देखा था वास्तविक संख्या है। तो देखो इसमें क्या था, जो पहला नंबर होता है वो क्या होता है, हमारा प्राकृत संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे हम 1, 2, 3 अप सो ऑन। ठीक है, यानी 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 200, ऐसे इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। ठीक है, सेकंड में हमने देखा था पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या क्या थी बच्चों? पूर्ण संख्याएं थी अगर हम क्या करते हैं, प्राकृत संख्या में जीरो को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो 0, 1, 2, 3 अप सो ऑन। ठीक है, यानी प्राकृत संख्याओं में अगर हम शून्य को मिला दें तो कौन सी संख्या बन जाती है बच्चों? वो बन जाती है पूर्ण संख्या। ठीक है, थर्ड देखा था हमने पूर्णांक। ठीक है, थर्ड क्या देखा था हमने? पूर्णांक, है ना, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं के हमने कितने प्रकार देखे थे? तीन प्रकार देखे थे। वो कौन कौन से थे? तो पहली थी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा था शून्य पूर्णांक और तीसरा था ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होती है? तो धनात्मक पूर्णांक एक प्रकार की प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, मतलब 1, 2, 3, 4 अप सो ऑन। ठीक है, यानी प्राकृत संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, आप प्राकृत संख्या बोलिए या धनात्मक पूर्णांक बोलिए, बात एक ही है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या देखे थे हमने? एक रियल नंबर, रियल लाइन पर देखे थे, है ना, या संख्या रेखा जिसको बोलते हैं नंबर लाइन, है ना, नंबर लाइन पर देखे थे कि जीरो के राइट हैंड साइड जो वाली जो वैल्यू होती है वे क्या होती है हमारी? बोलो, धनात्मक पूर्णांक होती है। ठीक है, इसके पश्चात हमने देखा था शून्य पूर्णांक। तो शून्य पूर्णांक क्या होता है? ये जो जीरो होता है, शून्य होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? शून्य पूर्णांक कहते हैं। ठीक है बेटा, उसके पश्चात ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऐसी संख्याएं जो क्या होती है? ऋणात्मक हो, जिनके सामने कौन सा चिन्ह हो? ऋण का चिन्ह लगा हो। मतलब अगर हम बात करें इस जीरो के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू, है ना, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू कौन कौन सी थी? -1, -2, -3 अप सो ऑन। तो क्या हो जाएगा? -1, -2, -3 अप सो ऑन। ये संख्या क्या होती है हमारी? ऋणात्मक पूर्णांक हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या बताया था मैंने आपको, वे संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर यानी जहां क्या होता है? Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? जीरो। अगर हम ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? शून्य नहीं होनी चाहिए। शून्य को छोड़कर अदर संख्याएं, कोई और वैल्यू हो सकती है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं बेटा? ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, परिमेय के बाद बताया था मैंने आपको अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं, है ना। तो देख लेते हैं, पहले परिमेय की बात करते हैं थोड़ा सा और। तो परिमेय संख्याएं, जैसे यहां जितनी भी संख्याएं दी गई है, यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? बताया था मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कि किन्हीं भी पूर्णांक संख्याओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्या वो से मिलकर, यानी कि हम बात करेंगे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इन संख्याओं से मिलकर और अन्य संख्या मिल जाती है, जैसे ऋणात्मक संख्या है, इन संख्याओं से मिलकर कौन सी बनी है? पूर्णांक। तो हम पूर्णांक की बात कर लेते हैं। तो
तो देखिए पूर्णांक जैसे एक है, एक के बटे में एक लिख सकता हूं, दो के बटे में भी एक लिख सकता हूं, तीन के बटे में भी एक, जीरो के बटे में भी एक। देखो जीरो ये पी की वैल्यू होगी, क्यू की वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो जीरो अपॉन वन भी लिख सकता हूं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर, है ना यार। इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो आपको एक बात ये समझ में आ रही होगी, तो परिमेय संख्या क्या है, जो पूर्णांक संख्या है वही परिमेय संख्या है। सीधी सी बात ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको कि जो पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। उसके पश्चात देखो अपरिमेय संख्या है, ऐसी संख्याएं जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इनको नहीं लिख सकते, जिन संख्याओं को हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वे संख्याएं हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्याओं का आपको रूप बता दिया था मैंने, क्या था, जैसे 3.2453297, मतलब ऐसी संख्याएं या ऐसे दशमलव बोल सकते हैं हम कि अशांत अनावृत्ति, है ना, क्या हो रहा है ये, अशांत अनावृत्ति दशमलव है कि नहीं, ठीक है। तो हम इनको क्या बोलते हैं, अशांत अनावृत्ति दशमलव कहते हैं। तो इन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि इन सभी का अगर मैं क्या बना दूं, एक समूह बना दूं, सेट बना दूं, तो इन्हें क्या कहते हैं हम, इन्हें कहते हैं हम बेटा रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, उन्हें क्या कहते हैं हम, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए इन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं, तो आप जैसे क्लास 11th में जाएंगे वहां पढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सम्मिश्र संख्या है ना। तो सम्मिश्र संख्याओं के लिए आपको और एक संख्या पढ़नी पड़ेगी, कौन सी संख्या, वो होती है हमारी क्या, इमेजरी नंबर्स, काल्पनिक संख्या है ना। तो उसकी बात हम 11th की क्लास में बात करेंगे, 11th की क्लास की वीडियो में बात करेंगे कि हमारी काल्पनिक संख्या है क्या होती है, ठीक है। तो आज हमें देखना था केवल इतनी ही संख्याएं, ठीक है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बता दिया हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है बच्चों। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था हमें, पहला क्वेश्चन कहता है, देखो क्या कहा है उसने, कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या कहता है कि जो शून्य है उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो भैया देखिए अभी बताया था मैंने आपको कि ये शून्य जो है वो क्या है, देखो शून्य के बटे में क्या लिख सकता हूँ, वन लिख सकता हूँ, जब वन लिखा मैंने तो इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख चुके हैं, जहां पर q क्या है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो हम क्या कह सकते हैं, शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो शून्य क्या लिख सकते हैं यहां पर, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई, शून्य एक परिमेय संख्या है। अगर इसका हम सही अगर आंसर देखना चाहे, जैसे हमको एग्जाम में लिखना है तो क्या लिखेंगे, शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, कि तीन और चार के बीच छह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, तीन और चार के बीच छह परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना, हमको ज्ञात कीजिए, ठीक है, हमको तीन और चार के बीच में छह परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो बताया था मैंने दो प्रकार किसी भी परिमेय संख्याओं के बीच में, है ना, कोई अगर दो परिमेय संख्या है, उन दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो हमको बात करनी है तीन और चार के बीच में छह अपरिमेय संख्या, सॉरी छह परिमेय संख्याओं की। तो तीन और चार के बीच में छह परिमेय संख्या क्या है, तो इसकी फर्स्ट मेथड आपको बताया था कि दो संख्या रहेगी उनको जोड़ करके उन क्या कर देना है, दो का भाग दे देना है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास संख्या आ जाएगी उसको क्या करते हैं कि नेक्स्ट संख्या और ये संख्या, यहाँ से कोई भी एक संख्या ले लेंगे, उनको जोड़ करके दो का भाग देना है। या दूसरी मेथड बताया था मैंने आपको, दूसरी विधि बताया था कि क्या होना चाहिए, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने बोला है बेटा यहाँ पर, छह परिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या, छह। तो क्या होगा, हल में यहाँ पर लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना, या आप लिख सकते हैं दिया है एन इज इक्वल टू सिक्स,
एन इज इक्वल टू सिक्स, तब आप क्या करेंगे, तब हम लिख सकते हैं एन प्लस वन, है ना, एन प्लस वन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास सिक्स है, प्लस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सेवन, है ना, कितना हो गया सेवन हो गया। तो अब हम बात करेंगे कि इसके अंश और हर में, है ना, इसके अंश और हर में क्या कर देंगे, बोलो जल्दी से, इसके अंश और हर में हम कर देंगे कि छः का गुना है, सॉरी सात का गुना और सात का, सॉरी यानी अंश और हर में सात का गुना करने ऊपर, है ना। तब देखो इसीलिए तीन गुना सात बटे सात बराबर कितना होगा सात्री इक्कीस बटे सात, और ये चार में भी देखेंगे चार गुना सात बटे सात बराबर सात चौ अट्ठावीस बटे सात, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अब क्या कहा उसने, अब आगे की हम संख्याओं को देखते हैं। तो जब भी n की वैल्यू हमारे पास यहां से प्राप्त हो जाएगी कि n इज इक्वल टू कितना हो गया सिक्स है, इसमें कितना करना है अपने को एक जोड़ना है, जब एक जोड़ेंगे n में तो कितना हो जाएगा जो हमको अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, n की वैल्यू से एक अधिक प्राप्त होगी, उसका क्या करना है जो पहली संख्या रहती है उसके अंश में भी गुणा करना है और हर में भी गुणा करना है, और दूसरी संख्या के भी अंश में भी और हर में भी, ठीक है। जब हमने पहली संख्या के अंश और हर में गुणा किया सात का तो कितना हो गया इक्कीस बटे सात, और दूसरी संख्या क्या हो गई बोलो अट्ठाईस बटे सात हो गई, तब हम यहां पर बीच में कितनी संख्या लिख सकते हैं छह संख्या है, क्या क्या हो जाएगी बोलो, अतः वे संख्याएं, वे संख्याएं देखो बाईस बटे सात तेईस बटे सात चौबीस बटे सात पच्चीस बटे सात छब्बीस बटे सात और सत्ताईस बटे सात, ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, तो हो गई चार, तीन और चार के बीच में छः परिमेय संख्या ज्ञात, है ना। तो आपको ये मेथड इजी लगती है तो ये बनाएं, अथवा मैंने इसकी जब इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था उसमें भी एक मेथड बताया था, ठीक है, तो आप उससे भी इसको हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये मेथड इसलिए बता दिया हूँ मैंने आपको क्योंकि अगर छः न पूछे, छः से अधिक पूछ ले, समझ में आ रहा है, तब आपको इस मेथड का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपको मैथ समझ में आ गई होगी, प्लीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहा है इसने, देखते हैं एनसीईआरटी ने। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच पांच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, 3/5 और 4/5 के बीच पांच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, तो देखो क्या होगा 3/5 व 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या पांच, तब हम लिख सकते हैं कि यहां पर क्या दिया हुआ है n इज इक्वल टू फाइव, ठीक है, पांच परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो n इज इक्वल टू फाइव हो जाएगा आपका। तो n प्लस वन इज इक्वल टू फाइव प्लस वन इक्वल टू कितना होगा सिक्स, इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारे पास संख्या दी थी उसके अंश व हर में इस छह का क्या करना है, गुना भी करना है और भाग भी करना है, ठीक है। तो 3/5 इंटू ये सिक्स हो जाएगा और इंटू ये सिक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, 3 × 6 कितना होगा 18/5 × 6 कितना होगा 30। वह सेकंड संख्या कौन सी है हमारे पास, 4/5 इंटू कितना होगा 6/6 इज इक्वल टू, है ना, ये कितना हो जाएगा 6 × 4 24/5 × 6 इज इक्वल टू 30। तब ये संख्याएं देख सकते हैं, तब वे संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी बता दो जल्दी से, ये हो जाएगी 19/30, है ना, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो हो गई 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच परिमेय संख्या हमको प्राप्त, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप इस मेथड का यूज करके ये मैथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए।
यानी जो कथन नीचे दिए गए हैं वो हमको सत्य है या असत्य है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला कथन क्या कहता है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो क्या कहा कि जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य या असत्य। देखो प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है वो एक पूर्ण संख्या हो सकती है। देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये संख्या दी गई है, ये प्राकृत संख्या है। क्या देखते हैं ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं में भी है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब हमारे पास ये हमको समझ में आ रहा है कि जो प्राकृत संख्याएं है वही पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, मतलब कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा, चौथे का पहला सत्य हो जाएगा, है ना, फोर्थ का पहला हो जाएगा सत्य। उसके बाद दूसरा देखते हैं क्या कहा उसने कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय सॉरी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी, नहीं। देखो ये ऋणात्मक संख्या है यहां पर, और ऋणात्मक संख्या है क्या यहां पर, नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या होगी, एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो सेकंड क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बताना है हमको। तो भैया प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि इन संख्याओं के मिलने से ही तो ये संख्या बनी थी। तो भैया ये संख्या, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ऋणात्मक संख्या भी परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या ऋणात्मक होती है क्या, नहीं। दूसरी बात, ये जैसे अगर मैंने बोला 5/7 तो 5/7 एक परिमेय संख्या है, है ना, ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल, ये हमारे पास होल नंबर है क्या, पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है। मतलब हमारा जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर के, धन्यवाद।